हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लिखेंगे कुछ लाइनें गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, गुरु पूर्णिमा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। सेकेंड इज, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द आषाढ़ मंथ। आषाढ़ मंथ कौन सा होता है? जून या जुलाई का महीना। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, ऑन दिस डे गुरुज टीचर्स आर वर्शिप्ड एंड रिस्पेक्टेड Fourth point is, it is also known as व्यास पूर्णिमा। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का बर्थडे होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्यास पूर्णिमा द बर्थ ऑफ हिंदू रिलीजियस राइटर महर्षि वेद व्यास। फिफ्थ पॉइंट इज, ऑन दिस डे लॉर्ड शिवा has taught yoga to the Saptarishi and become the first guru. Sixth point is, it is considered as the purest and pious occasion. Seventh point is, it is truly said that to achieve success in life, one should find a good guru. Eighth one is, an ideal guru can be your mother, father, brother, sister, teacher. एक अच्छा गुरु आपके मम्मा पापा, आपका भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, कोई भी हो सकता है जो आपको सही मार्ग दिखाता हो। एन आइडल गुरु कैन बी योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर और एनीवन हु गाइड्स यू टू द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। Ninth point is, the Jains celebrate Guru Purnima by paying homage to their Guru Mahavir. Tenth point is,
on this special day, many schools and colleges organized many functions and competitions like pictures, painting, speeches, drama, dance, etc. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।